व्हाट इज़ ग्रेविटी, या कि अगर ग्रेविटी होता क्या है। अगर कोई हमसे ये सवाल पूछ ले तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ग्रेविटी होता क्या है। हमें बस इतना पता है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, पर क्या हमने उसे कुछ ढूंढने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है। हमें तो बस वो कहानी याद है कि जिसमें न्यूटन के ऊपर सेब गिरता है तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये क्यों गिरा, किस लिए गिरा, फिर वो बोल देता है कि ग्रेविटी की वजह से गिरा। लेकिन अगर आखिरकार ये ग्रेविटी होता क्या है, सो लेट्स डिस्कवर व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में अर्थ का पिक्चर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस करता है अर्थ पे। लेकिन क्या सच में सिर्फ अर्थ ही पे ग्रेविटेशनल फोर्स है? लेट्स अज्यूम यूनिवर्स में दो कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट वाला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला पहले वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों का जो बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विद अ नॉन जीरो मास सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम भी अर्थ के साथ में इसी तरह जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए देखते हैं। जैसे ऑब्जर्व कहते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है और सेकंड ऑब्जेक्ट हम है, तो हम दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। पर ऐसा होता क्यों है? हम अर्थ की तरफ खींचते हैं कि अर्थ हमें ही खींच देता है, पर ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और हमारा मास बहुत कम है। इसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। और ये तो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विद अ नॉन जीरो मास सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से हम अर्थ के साथ में कनेक्ट रहते हैं, हम खड़ा हो पाते हैं। अर्थ से तो बड़ा हो ही नहीं सकते हम, इसलिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होने के कारण हम अर्थ के साथ में कनेक्ट होता है, हम अर्थ की तरफ ही खींचे जाते हैं। पर क्या अर्थ के पास ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल का अट्रैक्शन होता है, तो हमारा सोलर सिस्टम भी इसी तरह वर्क करता है। जैसे कि सन सबसे बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींचता है और प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे सन की तरफ फोर्स करता है। इस वजह से वो आसपास सन के ऑर्बिट में बना के घूमते रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट का मास बहुत ही कम है, इसलिए उन लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही कम होता है, इसलिए वो सन के आसपास ही घूमते रहते हैं। ग्रेविटेशन का खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया था। उन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होगा। और दूसरा ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, पहला अर्थ और सेकेंड मून। हम जानते हैं जैसे कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और मून का बहुत ही कम है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी बहुत काफ़ी है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क करता है। हाई टाइड और लो टाइड में पता चलता है हमें अर्थ के ऊपर। क्या हो अगर इन दोनों के बीच के हम डिस्टेंस को डबल कर दे? तो होगा ये कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का 1/4 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं जिसके ऊपर मास होता है? वेल, ऐसा कुछ नहीं है, वो एनर्जी पार्टिकल्स पे भी काम करता है। सो लेट्स अज्यूम, सो हम एक लेज़र बीम लेके सन के पास में अगर फ्लैश करेंगे तो उस लेज़र बीम का जो बीम होता है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ बेंड हो जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो ऑर्बिट की तरह बेंड हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मासेस पे ही नहीं काम करता बल्कि एनर्जी सोर्स पे भी काम करता है। I hope you have understand what is gravity. Stay tuned, keep learning, and don't forget to subscribe the channel for the latest update.